मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पौधारोपण को लेकर अनियमितता बरतने का मामला संज्ञान में आया है। दरअसल खरगोन जिले के दशरथ राठौड़ नामक व्यक्ति ने जनपद पंचायत गोगांव को शिकायत दर्ज कराते हुए इस बात का खुलासा किया था। ग्राम देवली सहित 6 पंचायतों में किया गया पौधारोपण नष्ट हो चुका है, जिसे लेकर पंचायत स्तर पर जाँच भी की गयी, लेकिन सरपंच सचिव की मिली भगत से झूठा जाँच प्रतिवेदन तैयार करते हुए शिकायत को निराधार बताया। वही जनपद स्तर पर शिकायत करने के बाद सही जांच प्रतिवेदन आया है। इस दौरान शिकायतकर्ता दशरथ राठौड़ ने मीडिया से चर्चा में इस बात का खुलासा किया कि मामले में लिप्त पंचायत कर्मी और जनपद स्तर के अधिकारियों पर उचित कार्यवाही की जाए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये पौधों की शिकायत हम 15 अगस्त 2017 से करते आ रहे हैं, जो 2 जुलाई 2017 को पौधे लगाए थे उस संबंध में। तो 15 अगस्त 2017 से लगातार शिकायत कर रहे हैं और लगातार हमारी शिकायतों को नज़रअंदाज किया जा रहा था, मतलब जनपद पंचायत गोगांव के माध्यम से शिकायतों को झूठी करार दिया जा रहा था। तो फिर हमने मांग रखी जनपद जिला पंचायत सीओ से कि जनपद स्तर से जांच न करवाएं, जिला स्तर से जांच करवाएं। और जिला स्तर से जो जांच प्रतिवेदन आया है उसमें खुलेआम लिखा हुआ है कि इन ग्राम पंचायतों द्वारा इतने राशि का निष्फल व्यय किया गया है और गलत तरीके से सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। कितनी पंचायतें हैं इसमें? 6 पंचायतें हैं अभी फिलहाल। वैसे तो बहुत सारी पंचायतें हैं, लेकिन 6 पंचायत का हमने दिया था सर्वे करके कि पौधे नहीं हैं वहाँ पर। तो ये जो पौधारोपण हुआ था, ये बिल्कुल पौधे कहीं पर थे नहीं और पैसे भर मार निकलते गए, और इसकी शिकायत हम लगातार शुरू से अभी तक करते गए और उसका जांच प्रतिवेदन आया। हेल्पलाइन में भी शिकायत की थी? सीएम हेल्पलाइन पे तो ये समझ लीजिए कि शुरू से चल रही है, उसको बंद कर देते हैं फिर हम रीओपन करवा लेते हैं। गलत जानकारी बता रहे हैं? हाँ, गलत जानकारी, मतलब जो जांच के लिए गए थे, एक बार सीओ मैडम जांच के लिए गए थे 2018 में, तो उन्होंने देखा था और उस समय प्रेस के सामने उन्होंने बताया था, हमारे जो लोकल बरुड़ के जो प्रेस के लोग थे उनके सामने बताया था कि सिर्फ 48 पौधे जीवित थे, गिन के बताए थे ग्रामीणों के और उनके समक्ष। और फिर उसके बाद में उन्होंने जब निराकरण डाला तो वो 600 से लगा के, मतलब 50% पौधे जीवित बता रहे थे, 1000 में से 50% पौधे जीवित बता रहे थे, मतलब ऐसा किया। और इसके बाद में मार्च के महीने में इसी वर्ष जाँच करने दल गया था जनपद स्तर से, तो रातों रात पौधे लगा दिए थे और उन्हीं पौधों को जनपद स्तर से जो जांच दल गया था उन्होंने जीवित बता दिया और फर्जी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया उन्होंने, और फिर जिला पंचायत से जांच हुई है। अब ये जांच में जो आया है उससे आप क्या, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, सीओ साहब को हमने आवेदन भी दिया और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, फिर भी हम साहब से चाहते हैं आपके माध्यम से, जिला पंचायत सीओ साहब से, कि जल्दी से जल्दी इन लोगों पर कार्रवाई करें, क्योंकि ये जनता का पैसा था और इन्होंने इसका दुरुपयोग किया, निष्फल व्यय किया है, तो इन पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई होना चाहिए। कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें? इसमें उन्होंने जांच प्रतिवेदन में जो भागीरथ पाटीदार जी है, तकनीकी विशेषज्ञ अधिकारी जिला पंचायत के, उन्होंने सभी के नाम लिखे, उसमें सब इंजीनियर है, अपने सरपंच सचिव, मतलब सारे अधिकारी जो भी पौधारोपण को देखते थे। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इन लोगों पर कार्रवाई हो, जो पैसा सरकार का बर्बाद किया उसको वसूल किया जाए और इन लोगों पर व्यक्तिगत कार्रवाई भी हो। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम दशरथ राठौड़। कहाँ से? देवली से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।